बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गई मज़ेदार तुरई की भाजी, बहुत ही मज़ेदार शानदार बनती है। सबसे पहले तुरई को ले लें, उसको धो लें, धो के अच्छी तरीके से छील के उसके छोटे छोटे स्लाइस काट लें। चार प्याज लें, उसको ब्राउन करें, लाइट ब्राउन करें, यानी बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर उसमें कटी हुई प्याज और आलू शामिल कर देंगे। इसका पानी खुद छोड़ेगी तुरई, इसमें कोई पानी नहीं डालेगा। फटाफट तैयार होने वाली सब्ज़ी है। इसके अंदर हमने लिए तीन टमाटर, उसको काट के डाल दिया। कुटी हुई मिर्चें ले ली, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने डेढ़ चम्मच लिए। नमक हसबे ज़ायका ले लें, लहसुन ले लें, उसको कूट के डाल दें। और सबसे अहम चीज़ इसके अंदर कलौंजी डलेगी, ये भी डाल लें, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर कवर करके पकने के लिए हम इसको रख देते हैं। ये देखें, इसको हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। थोड़े से आलू भी डाल दिए थे मैंने, दो तीन, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो मत डालें। और फिर जब मैंने इसको 15 से 20 मिनट बाद खोला तो ये सारा पानी इसका खुद का निकला हुआ है। आप चाहें तो इसका पानी सुखा लें, नहीं तो ऐसे ही खा लें। चावल के साथ खाएं, या आप नान के साथ खाएं, या घर की रोटी के साथ, बहुत ही लुत्फ़ देती। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।